दोस्तों, आपके मन में भी कई बार ये सवाल उठता होगा कि हिंदुस्तान की दो महान शक्तियों की तुलना करें तो हम राजपूत और मराठाओं में से किसको श्रेष्ठ पाते हैं। निसंदेह ये दोनों ही शक्तियां श्रेष्ठ थीं और हम अगर तुलना करें तो राजपूत और मराठाओं में बहुत अंतर है। समानता सिर्फ एक ही है कि दोनों महान हैं। अब मैं आपको पहले राजपूतों के बारे में बताता हूँ। राजपूत एक शेर की तरह होता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है और कभी भी कमजोर पर हमला नहीं करता। राजपूत से यदि कोई दुश्मन माफी मांग ले तो आसानी से माफ कर देता है। राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी छल कपट का प्रयोग नहीं करते। राजपूत हमेशा आमने सामने की लड़ाई में विश्वास करते हैं। राजपूत अकेला हजारों से लड़ाई लड़ लेगा लेकिन युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीछे कदम नहीं हटाता। राजपूत कभी भी भागते हुए दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता। एक राजपूत के लिए आन बान शान और युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए जान देना शान समझी जाती है। एक राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाता और सीने पर वार सहकर मरना पसंद करते हैं। राजपूत एक दिलेर कौम है पर स्वभाव शेर के जैसा। जिस प्रकार शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते, वयस्क होने पर अपना एक एरिया बना लेते हैं, राजपूतों में भी वही प्रवृत्ति पाई जाती है। राजपूत एकल रहना और एकल लड़ना पसंद करते हैं। युद्ध क्षेत्र में दिमाग पर कम और अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको युद्ध क्षेत्र में राजपूतों के कारनामे बताता हूँ। राजपूत बप्पा रावल ने भारत में इस्लामिक आक्रमण को हराया और फिर इस्लामिक देशों में घुसकर अरब देशों तक अपना परचम लहराया। राजपूत 600 सालों तक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे और आमने सामने की लड़ाई में 600 सालों तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत में नहीं घुसने दिया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तो 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया। महाराणा कुंभा राजपूत योद्धा को कोई हरा नहीं सका, जिंदगी भर वो अपराजेय रहे। राणा सांगा जैसे जुझारू योद्धा शरीर पर 80 घाव खाकर एक आंख और एक पांव गमाकर भी 100 से ज्यादा युद्ध लड़ते रहे। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर योद्धा जैसा तो आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत इतनी थी के दुश्मन के साथ घोड़ा भी दो टुकड़े हो जाता था। महाराणा प्रताप का खौफ इतना था कि अकबर भी कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने नहीं आया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जिस तरह लड़ा वह कलिंग के बाद दूसरा सबसे घातक युद्ध था। युद्ध में अगर आमने सामने की लड़ाई की बात करें तो राजपूत योद्धाओं की तुलना दुनिया के किसी भी योद्धाओं से नहीं की जा सकती। राजपूत भारत में ही नहीं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सवाल ये आता है कि राजपूत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर भारत में इस्लाम कैसे प्रवेश कर गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी भी खुद को एकजुट नहीं कर सके और छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों से कब तक मुकाबला करते। बाबर ने भी कहा था, राजपूत लड़ना मरना तो जानते हैं पर युद्ध कैसे जीता जाता है नहीं जानते। युद्ध के लिए परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना नहीं आता, बस हर युद्ध में खुद को झोंक देते हैं। यही कारण है कि राजपूतों के युद्ध जीतने का प्रतिशत मराठाओं से काफी कम है। अब हम बात करते हैं मराठा शक्ति की। भारत में मराठा ही थे जिन्होंने मुगलों को चुनौती दी और अगर मराठों को राजपूतों का सहयोग मिला होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और होता। मुगल ये जानते थे कि यदि राजपूत और मराठा एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती। इसीलिए मुगलों ने राजपूतों को अपनी सेना में बड़े बड़े पदों पर रख लिया। राजपूतों को वजीर बनाया गया। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मराठों को अलग थलग कर दिया गया। लेकिन मराठों ने मुगलों के सामने जो चुनौती पेश की वैसी चुनौती राजपूत कभी भी पेश नहीं कर पाए। मराठे युद्ध लड़ना भी जानते थे और युद्ध जीतना भी। परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाते थे
और छल कपट का जवाब छल कपट से देते थे। यही कारण था कि 5 लाख फौज लेकर भी औरंगजेब 27 सालों तक मराठों को कभी हरा नहीं पाया। दोस्तों, मराठों के अंदर हिंदुस्तान की 36 जातियों के योद्धा थे, जिनमें भारी संख्या में राजपूत भी थे। राजपूत इतने प्रभावी कभी नहीं हुए कि पूरे भारत को संभाल सकें। वहीं छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को दक्षिण में तमिलनाडु, उत्तर में पेशावर, पूर्व में उड़ीसा और गुजरात तक विस्तार दिया था। मराठाओं की युद्ध शैली चीते की तरह होती थी, यानी छिपकर वार करना। छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली पर आधारित इजराइल की छोटी सी सेना किस तरह आज इस्लामिक मुल्कों के बीच में खुद को बचाए हुए है, और इजराइल की छोटी सी सेना से किस तरह बड़ी बड़ी ताकतें खौफ खाती हैं। मराठे योद्धा होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से बहुत चतुर थे। युद्ध के बाद वो राज्य को सुरक्षित रखना भी जानते थे। शिवाजी महाराज ने सभी वर्गों का विश्वास जीतने के लिए छोटे छोटे वर्गों से भी शादियां की थी। दोस्तों, हमने आज हिंदुस्तान की दो महान ताकतों के बारे में आपको बता दिया। अब आप ही फैसला करो कि श्रेष्ठ किसको मानते हो। मेरी दृष्टि में तो भारत की दोनों ही ताकतें और दोनों ही योद्धा महान थे। आज फिर वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की सभी जाति धर्मों को एकजुट होकर हिंदुस्तान को महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमने जो पूर्व में गलतियां की, उनसे सीखकर अपने देश को एकजुट रखें तो हमारी ये ऐतिहासिक भूल का एक बहुत बड़ा सबक होगा।